मैं आपको बताऊं कि पूरी में जाएंगे और आपको छोटा मोटा गोवा लगेगा, तो ये बात कैसे रहेगा? जरूर जाते होंगे। पहले तो आप लॉर्ड जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं और कुछ टाइम जो होता है वो स्वर्ग द्वार के सामने जो बीच है उसमें कुछ टाइम बिताते हैं, फिर वापस आ जाते होंगे। लेकिन सोच के देखिए, अगर जिन लोगों को ज्यादा क्राउड पसंद नहीं होता है, उसमें से आप भी हो सकते हैं, उन लोगों के सामने और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जैसे कि हमें बहुत सालों से देखते आए हैं, पूरी में इतना ज्यादा क्राउड रहता है, खास करके जो बीच एरिया रहता है उसमें इतना ज्यादा स्टॉल, इतना ज्यादा स्ट्रीट फूड में भरा पड़ा हुआ, इतना ज्यादा क्राउड रहता है, बहुत सारे लोगों को उधर पे इरिटेट भी लगता है। लेकिन आज मैं जो जगह के बारे में आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ वो भी एक बीच है, लेकिन उधर पे ना ज्यादा क्राउड है, ना कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला है, और इतना ज्यादा क्लीनेस्ट वो जगह रहेगा जो आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। यकीन मानिए, आपको लगेगा कि आप छोटा मोटा गोवा में आ गए हैं, या फिर आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये उड़ीसा का पुरी में ही है। 2020 में इसे ब्लू फ्लैग टैग से घोषित कर दिया गया है। अभी ब्लू फ्लैग टैग क्या चीज है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये एक खास किस्म का सर्टिफिकेशन रहता है जो एक एनजीओ के द्वारा दिया जाता है, जिसका नाम है FEE, यानी फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एडुकेशन के तरफ से एक सर्टिफाइड कर दिया जाता है कि ये बीच बहुत ज़्यादा क्लीनेस्ट है और उसके साथ साथ मेंटेनेंस भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। इसका खास करके काफ़ी सारा क्राइटेरिया तो रहता है, लगभग 33 क्राइटेरिया मेंटेन करने के बाद ऐसे सर्टिफिकेट मिलता है। और आपको सुन के गर्व महसूस होगा, ये पूरी में एक ऐसा बीच है जो घोषित कर दिया गया है ब्लू फ्लैग टैग से। सिर्फ 20 रुपया में आप इस बीच में 3 घंटे तक रुक सकते हैं। आप बैठने के भी पूरा जगह है, टॉयलेट तो बहुत ही साफ सुथरा है, जो बहुत सारा इशू रहता था पुराना वाला बीच में, खास करके फैमिली जो सब लेके जाते थे उधर पे टॉयलेट का बहुत बड़ा इशू रहता था। लेकिन इसका अभी चिंता करने का जरूरत नहीं है, जो ब्लू फ्लैग टैग वाला जो बीच है उधर पे साफ सुथरे वाला टॉयलेट्स भी अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। उसका जो एनवायरमेंटल है उसमें प्लेग्राउंड है बच्चे लोगों के लिए और फिटनेस सेंटर भी है, कैफेटेरिया, स्विमिंग फैसिलिटी, शावर चेंजिंग रूम। बहुत ही आसान तरीके से आप इस बीच में पहुंच सकते हैं। आपको सिर्फ गूगल मैप में सर्च कर लेना है गोल्डन पैलेस होटल पूरी और इधर पे आपको पहुंच जाना है। गोल्डन पैलेस होटल का जो सामने वाला बीच है वो ही पॉइंट है। टू बी ऑनेस्ट, ये चैनल को बहुत आगे लेके जाना है, तो आपका लाइक, आपका कमेंट बहुत ही ज़रूरत है मेरे लिए। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टूर रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँगा। ऐसे इंटरेस्टिंग टूर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए डिप्से स्टॉक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक कर लीजिए।